बालों को नेचुरल काला करने के लिए लेना है आपको लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टील या फिर एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे का लेंगे तो सबसे बेस्ट। लोहे के तत्व रेमेडी के साथ मिक्स होकर के रेमेडी को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त असरदार बनाते हैं। इसमें ऐड करना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। आंवला बहेड़ा हरड के कॉम्बिनेशन से मिक्सरन से बनाया जाता है त्रिफला चूर्ण, जो आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच ब्राह्मी चूर्ण। बालों का डॉक्टर कहा जाता है ब्राह्मी चूर्ण को, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जो भी आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। तो 1 चम्मच ब्राह्मी चूर्ण इसमें ऐड कीजिए। इसके बाद आपको लेना है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर को भी बालों का डॉक्टर कहा जाता है। 1 चम्मच इसमें भृंगराज का पाउडर ऐड करना है, जो आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद लास्ट में आपको लेना है रतन जोत का पाउडर। ये आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 चम्मच रतन जोत इसमें ऐड कीजिए, जो सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चारों चीज़ों को आप रोस्ट कीजिए बिल्कुल धीमी आंच पर, गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी आंच पर हो, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना रोस्ट करना है कि इन पाउडर्स की अच्छे से नमी निकल जाए। 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट कीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करना है आपको 1 गिलास पानी। अभी आप गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहिए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो आप इन्हें पकाते रहिए बीच बीच में चलाते हुए, तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पेस्ट में तैयार ना हो जाए, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जो ज़्यादा रनी भी ना हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, जो आप आसानी से इजीली अपने बालों पर अप्लाई कर सकें, ऐसा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। डाई की तरह, मेहंदी की तरह आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से पेस्ट में तैयार हो चुका है, ज़्यादा रनी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक है। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पेस्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर में हो चुका है। अभी आप इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके अपने बालों पर, इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके, जो आप अब ईजिली अपने बालों पर तैयार कर अप्लाई कर सकें। और एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद क्लीन बालों पर, ना तो आपके बाल पर धूल मिट्टी हो और ना ही तेल लगा हो, क्लीन बालों पर ब्रश की हेल्प से जैसे भी आप लगाना चाहें इस पेस्ट को, वैसे आप लगाइए। बालों की जड़ों से लेकर के बालों की पूरी टिप तक, पूरे बालों पर आप इसे लगा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो बालों की जड़ों पर आप स्पेशली ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ताकि बालों की जड़ों के अंदर तक जा कर के इन सभी नेचुरल चीज़ों का न्यूट्रिशन आपके बालों की जड़ों को अच्छे से मिले, बालों को भरपूर पोषण मिले। इससे आपके बाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार आप इस पेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, कुछ महीने लगातार करते रहिए, धीरे धीरे आपके बाल काले होने लगेंगे। थैंक्स।